तो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ से कैसे हो कैम हो कैम ही होने चाहिए थे काटो फुला थे। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ जो रात को रूम लिया था वहाँ से शलाल की तरफ जा रहा हूँ पैदल, बाइक नहीं जाती है वहाँ पे, बाइक अभी वहीं खड़ी की है जहाँ पे होटल है। और अभी मैं सामान रख के आऊँगा शलाल जाके, आज रात मैं शलाल में स्टे करने वाला हूँ। मैंने सुना है काफ़ी हैपनिंग प्लेस है शलाल, तो वहाँ जाके सामान रख के फिर वापस आके बाइक उठा के मणिकरण साहब जाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं ट्रैक करके जा रहा हूँ शलाल, आधा घंटा लगेगा यहाँ से। तो ये सारी मेरे पीछे कसौल की मार्केट है जो रात को बंद थी, तो रास्ते मिलते हैं आपसे बाकी शलाल जाके। काफ़ी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तोश है, मलाना विलेज है, खीरगंगा, मणिकरण। तो फिलहाल आई एम ऑफ टू शलाल, आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। तो ये मेरे सामने का व्यू है, ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है अभी। ये नीचे पानी देखिए आप, ये बहुत ही पुराना सा ब्रिज है और ये नीचे पानी, बहुत सारा पानी बह रहा है और यहाँ से आ रहा है, पार्वती रिवर है। तो आप वो देख सकते हैं सामने, बर्फ पड़ी पहाड़ पे, बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही बढ़िया व्यू। और ये ब्रिज है जहाँ से जाना है, यहाँ आके बैठेंगे कुछ देर सुकून के लिए। नीचे लोग नहा भी रहे हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे, एक बहुत ही अलग नज़ारा है यहाँ पे आने का। तो यहाँ से जाना है ट्रैक करके पैदल पैदल, साथ में रिवर बह रहा है, बहुत ही एक खूबसूरत, जिसको कहते हैं ना नेचर के बिल्कुल बीचों बीच का ये नज़ारा है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। पानी देखिए, पानी का फ्लो काफ़ी है और ये रोड ट्रैक करके जा रहा हूँ मैं। तो काफ़ी रास्ते में आपको रूम्स वगैरह मिलेंगे, होम स्टेज मिलेंगे, आप कहीं भी स्टे कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। ये सारा शलाल का रास्ता है, लोग पत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से, पता नहीं क्यों, पता नहीं कितने किलो का बैग मेरे पीठ पे है, 90 लीटर का था तो मैंने 90 लीटर पूरा भरा हुआ है। वो कसौल है उस साइड सारा, यहाँ से मैं आया हूँ पीछे से और ये ट्रैक करके सारा आगे शलाल। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा, हाथ में कैमरा भी है, कहीं कैमरा और बैग मेरे ऊपर हो सारा, पीठ पे मैं मुद्दा पड़ा हूँ, वो नहीं जाता मैं बिल्कुल भी। तो लोग बैठे हैं चिल कर रहे हैं पानी के किनारे, यू नो हाउ पीपल आर चिलिंग आउट हियर। तो ये छोटे छोटे रास्ते में ईटिंग जॉइंट्स भी बने हुए हैं पत्थरों के बिल्कुल बीचों बीच, आप देख सकते हैं कितने खतरनाक खतरनाक पत्थर है, तो पैर बचा बचा के जाना पड़ता है ध्यान से। और धूप निकली है इतना शुक्र है, बारिश में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता होगा, मेरे को ये नहीं पता यहाँ बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती, लेकिन एक विलेज लाइफ अलग चीज़ होती है। ये हिमाचल का विलेज है, यहाँ रहने का एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ साइड पे, ये खेत और ये पत्थर वाले रास्ते, तो मज़ा आने वाला है, देखता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी तक आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक अलग फील आएगी। मैं कसौल आया, मैं पूरा एक्सप्लोर करके जाऊँगा, तोश, मलाना, खीरगंगा, जितना हो सका ओके आपको भी दिखाएंगे। तो थोड़ा गलत रास्ता ले लिया, दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे थे, मैं नीचे वाला ले लिया और नीचे वाला किसी कैंप के पास जा रहा है जबकि मैंने ऊपर वाले रास्ते पे जाना था। तो अभी मैं फिर से वापस यू टर्न लेके ऊपर वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे वो डाइवर्जन है। ये देखिए मेरे पीछे छोटा सा किसी ने घर सा बना रखा है और ये सारी वैली है, कसौल वैली, पार्वती वैली सॉरी, शलाल तो अभी ऊपर आएगा, तो मज़ा ही मज़ा है। जिसने पीस लेना है ना, ही और शी शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस, नॉट कसौल, शलाल। वो तो सिटी हो गया ना कसौल एक साहब का, अभी अंधेरा हो गया, तो शलाल में है असली चीज़। यहाँ आसपास जो गांव है जैसे तोश है, मलाना है, वहाँ पे आके रहिए हफ्ता 10 दिन एंड यू विल हैव दैट पीस ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, देख सकते हैं रास्ते में ना ये सारे कैंप्स बने हुए हैं, जैसे ओम हिमालयन कैंप एंड कैफे, तो आप लोग यहाँ पे आके भी स्टे कर सकते हैं, बॉन फायर ऑल दैट। यहाँ से मैं आया हूँ इस रास्ते से, वो पीछे पहाड़ देख सकते हैं बर्फ़ वाला, ठीक है जी। और ये सारे कैंप्स हैं, अभी और भी कैंप्स मिलने वाले हैं, तो इस रोड पे मैं आगे जाने वाला हूँ। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इज़ देयर इन शलाल, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड लेट इट बी अ गुड वन। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये रास्ता, आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी, ये ऊँचे ऊँचे पेड़ लंबे लंबे, और ये सारा जा रहा है शलाल को और हम भी जा रहे हैं शलाल को। सोलो राइडर, सोलो ट्रैवलर, वंडरर, मणिपाल।
आप भी महसूस कीजिए कैमरे के लेंस के थ्रू। हालांकि उतना जस्टिफाई नहीं करेगा जो आंखें दिखा सकती हैं, पर फिर भी शायद आपको ये चीज़ अच्छी लगे और आप खींचे चले आओ इस और। तो देखिए बहुत ही प्यारा लिवी आर इन शलाल द कैंप में शलाल कसौल बॉनफायर म्यूज़िक कैंपिंग कैफ़े। नंबर नोट कर लीजिए जिसने आना है, प्री बुकिंग वैसे मिल जाता है। तो ये छोटा सा गांव और ये लोग आ रहे हैं आगे से, अरे ऊपर जाता है रास्ता कहीं को। भैया शलाल को रास्ता इधर से ही है सीधा सीधा, थैंक यू। तो यही रास्ता है, इस बारी गलती नहीं करेंगे। तो ये हमारे दोस्त ऊपर से आते हुए मेहनत करते हुए कितने मेहनती है ये। ओह भाई जी मैंने सर लेना थोड़ी, इस पर बैठ के भी जा सकते हैं आप ऊपर, सामान जाता है इस पर भैया, ट्रैवलर भी जाता भैया इस पर नहीं तो सामान जाता है सिर्फ। तो हम पहुंच चुके हैं शलाल, ये देखिए आप घर बने हुए हैं सारे, ये रास्ता, ये पीछे स्कूल था मेरे। अभी वी आर इन शलाल विलेज। ओ मैन दिस इज टू इनसेन, हो इतना बड़ा बैग लेके चढ़ना, जिम मारने की किसको ज़रूरत है, यहीं पे पूरा हो जाना सब कुछ। लिया था यहाँ पे उसका कैफ़े है, मुक्सर से है वो पंजाब से। तो भाई बोल रहा था अगर आपने रहना है तो 600-700 रुपये दे देना कैफ़े में, बढ़िया रूम मिलेगा आपको। तो हमने देखा कि अभी आगे भी बहुत सारे कैफ़ेज हैं, पहले आगे जाता हूँ, अगर वहाँ पे सही मिल गया तो वहाँ सही, नहीं तो भाई के पास तो रुक ही जाऊँगा ना, वो तो ऑप्शन है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे भी एक्सप्लोर कराऊँ। कह रहे इससे आगे फ्रीडम कैफ़े है जो काफ़ी फेमस है, फ्रीडम कैफ़े, वहाँ पर पार्टी वगैरह भी होती है, और उससे आगे बढ़ता है रसौल, तो वो यहाँ से है 3-4 किलोमीटर का ट्रैक। हेलो, तो वो भी देखाएंगे अगर जाना हुआ तो। राम 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 राम। अजय देवगन वाला सीन याद आ गया, इश्क मूवी वाला, ऐसे पूरा है छोटा सा। ये देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, डू नॉट गो हेयर यू बी फाइंड 5000। तो यह शलाल में लिखा हुआ है, यू बी फाइंड 5000 रुपीज़, पता नहीं क्यों है। तो दिस इज़ ऑल शलाल, फ्रीडम कैफ़े शलाल में पड़ता है। जो बर्थडे है मेरा आज, हैप्पी बर्थडे टू मी, 19 फेब का ये व्लॉग है, अगर लेट शेट आया तो यू कैन विश मी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो ये सारा मेरे पीछे फ्रीडम कैफ़े है, ये नीचे है सारा इसका पेरिफेरी। तो आज पार्टी भी है यहाँ पे मेरे नाम की, मेरे जन्मदिन की पार्टी है, वैसी पार्टी है यहाँ पे अक्सर होती रहती है। फ्रीडम कैफ़े इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, गॉट द रूम इन अ वेरी डिसेंट प्राइस, मतलब ठीक है इतनी दूर आगे, इट्स वर्थ। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आई शो यू द रूम, दिस इज़ द रूम, अंधेरा है काफ़ी, ये रूम है फोटो नाइट, ये वॉशरूम है इस साइड। तो ये वॉशरूम है जिसमें बहुत अंधेरा है, रुको रुको कहीं तो लाइट होगी, कहीं तो ये वॉशरूम है, लाइट बहुत है इसमें, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ जी फ्रीडम कैफ़े में, आप मेरे लुक के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ आके इस माहौल में ढल चुका हूँ, और इस टाइम मैं खाने की वेट में बैठा हूँ। ये मेरा टेबल है जहाँ पे खाना आने वाला है, तो मैंने ऑर्डर किया है ग्रीन टी और कुछ खाने को। तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है फ्रीडम कैफ़े, आज रात को यहाँ पार्टी भी है, और आउटसाइडर्स के लिए 500 रुपीज़ एंट्री, और जो होटल में रह रहे हैं उनको 50% डिस्काउंट है, मतलब 250 रुपये। तो शाम को पार्टी होने वाली है, उससे पहले मैं मणिकरण साहब जाके वापस आके जल्दी जल्दी वापस आने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर इन्जॉय करेंगे, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ सामने फ्रीडम कैफ़े में, ये उनके टेंट्स हैं, वहाँ ऊपर मेरा रूम है, ये गाँव है, गायें चर रही हैं चारा, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जहाँ पे लिखा है कि 5000 रुपये फ़ाइन अगर आप यहाँ पे आओगे। तो ये आप देखिए शलाल में बीचों बीच ओपन में स्नूकर टेबल भी लगा हुआ है, जिसने स्नूकर खेलना वो स्नूकर भी खेल सकता है, 300 रुपये एक घंटे का, बिल्कुल गांव के बीचों बीच बना हुआ है, ये स्नूकर टेबल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। कुछ देर यहाँ बैठूँगा सुकून से, थोड़ा पीस लाएँगे माइंड में, थोड़ी पॉजिटिविटी लाएँगे, थोड़ा फ्रेश फील करूँगा। तो नदी के किनारे बैठा हूँ, पार्वती नदी के किनारे, ये पड़ता है शलाल और कसौल के बीच में, तो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा आराम फरमा रहा हूँ, फिर मैं जाने वाला हूँ मणिकरण साहिब। तो मेरे पीछे सारी है पार्वती रिवर, जो यहाँ बैठने का मज़ा आएगा ना वो कहीं और नहीं आने का। गंगा किनारे भी आया था जब मैं ऋषिकेश गया था, लेकिन यहाँ का अलग ही फील है, प्योर वाटर, बहुत ही अच्छी एक आवाज़ पानी की कानों में आ रही है, मतलब पानी की जो आवाज़ है आप समझ सकते हो ना कितनी सुरीली है, वो मेरे कानों तक आ रही है। तो ये सारा पार्वती रिवर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। Few moments later, तो अभी मैं खड़ा हूँ फ्रीडम कैफ़े में जहाँ पे मैंने रूम भी ले रखा है, तो
अंदर यहाँ पे पार्टी चल रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड कस हॉल में आके लोग किस टाइप की पार्टी करते हैं, तो उस टाइप की पार्टी वहाँ पे चल रही है। तो आई एम नॉट अ पार्टी लवर फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। वैसे भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ काफ़ी पार्टीज कॉज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तो दिखा दूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पार्टीज करना पसंद करते होंगे इस टाइप की भी। वैसे भी तो मैं स्पेशली उठ के आया, वॉज अबाउट टू स्लीप, तो आई थॉट कि काफ़ी शोर आ रहा है गानों का, तो लेट मी शो यू व्हाट ऑल द पार्टी लुक्स लाइक। तो आई विल शो यू द थिंग अंदर जाके। आई वोंट बी एबल टू स्पीक, बट यू विल हैव द ग्लिम्स ऑफ द पार्टी, हाउ द पार्टी इज लाइक इन फ्रीडम कैफे कसौल। वेन एवर यू वॉन्ट टू कम हेयर, यू कैन विजिट फ्रीडम कैफे कसौल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, एंड यू कैन इन्जॉय दैट पार्टी। ये ज़्यादातर वीकेंड्स पे होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे डीजे पार्टी होती है, बाकी दिन भी होती है। इट्स अ गुड हैपनिंग प्लेस फॉर पार्टी लवर्स। तो आई विल शो यू द अंदर का सीन कैसा है। यू कैन पे विजिट हेयर वेन एवर यू इन कसौल। यू लव द थिंग, यू लव द पार्टी। Hope you enjoyed the part of the party place. If any of you are a party animal or party lover, yeah, enthusiast, party enthusiast, you can come to the Shalal Village. That is just 2 kilometers from Kasol. Very happening place. You can have the time of your lives. Till then, take care. Love your loved ones. Love your family. Love yourself. Vlogger signing off. Bye bye. Take care. Hasta la vista. I'll see you in my next vlog. Bye bye.